सो हेलो एंड वेलकम, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे BHEL शेयर के बारे में। उसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर ले इसके करंट प्राइस के बारे में। तो 76 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी इसमें आज गिरावट देखने को मिली है। ये स्टॉक थोड़ा सा गिरा था, बीच बीच में उठ गया है, तो इसमें आज कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं है। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 26,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो हम आ जाते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट पे। तो हम बात करें तो आप देख सकते हो कंसोलिडेट लॉस एट 1,034 करोड़ का इसे लॉस हुआ है। जो अगर हम बात करें पिछले कुछ साल की, हम बात करें 2019 की, तो आप देख सकते हो तब इनसे इस कंपनी को लॉस था 1,538 करोड़ का, जो कम होके रह गया है 1,034 करोड़ का। तो अच्छा खासा डाउन आया है नेट प्रॉफिट लॉस में, लॉस काफ़ी कम हुआ है इस बार। तो आप देख सकते हो अगर 2020-21 की बात की जाए क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से, तो अच्छा इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपनी जो इनकम रिपोर्ट की है 7,245 की है, तो काफ़ी कुछ कंपनी ने अच्छा किया है इस बार की बात करें तो। लगभग 532 लगभग मान लीजिए 500 करोड़ का इन्हें लॉस में कवर हुआ है। अभी है 1,034, पहले सा 1,532 करोड़। तो अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं, अच्छे रिजल्ट हम मान सकते हैं, और ये अच्छा ग्रोथ कर सकता है क्योंकि इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, अच्छा कमा के दिया, अच्छे रिटर्न्स दिए। पिछले एक साल की बात की जाए, 5 महीने की बात की जाए, 1 महीने की बात की जाए, सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।